हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनेटीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 पई किछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स, ये होची क्लास नंबर 2। एथरे आम डिस्कशन करिबा डेली करंट अफेयर्स 2 और 3 सेप्टेम्बर 2021 रो, तो किसी स्टैटिक जीके एमसीक्यू डिस्कशन करिबा, आ किसी आम टोक्यो पाराओलंपिक्स रो करंट अफेयर्स डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोटी एसआई एएसओ जेटी ओएसएससी एसएफएस एआरआई अमीन समस्त एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। फर्स्ट क्वेश्चन रही आप विच स्टेट लॉन्च सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम। रिसेंटली क्यों राज्य सरकार गोटे स्कीम लॉन्च कर गोटे योजना लॉन्च कर सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर। आप वाटर को सेव करेंगे तो आप फ्री रे वाटर पाइबे। ए स्कीम टा किए लॉन्च कर गोवा सरकार लॉन्च कर गोवा लॉन्च कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 इन 2021। तो 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को क्यों देश आयोजित करिबो। सॉरी, तो ये करेक्ट आंसर होची ग्लासगो यूके। आमर यूके यूनाइटेड किंगडम कहिबा किंबा ब्रिटेन कहिबा किंबा इंग्लैंड कहिबा, तो यूके रो ग्लासगो ठारे 2021 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बा COP26 को आयोजित करा जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेरा काम मेरा मन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू हेल्प एनहांसिंग स्किल्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स। कौन कही ना जो मैंने अनएम्प्लॉयड यूथ युवक मैंने अच्छा बेकारी बेरोजगारी युवक मैंने अच्छा से मानक स्किल एनहांस करने स्किल एनहांस करने मेरा काम मेरा मन गोटे योजना गोटे लॉन्च करो राज्य लॉन्च कर। तो ये करेक्ट आंसर होची पंजाब। रिसेंटली पंजाब सरकार से राज्यर बेरोजगारी युवक मानक किसी साहय करने मेरा काम मेरा मन नाम गोटे योजना को लॉन्च कर। पंजाब रे वर्तमान किए अच्छा आमर सीएम एग्जाम भी आसीपे तार सीएम अच्छा कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड फर्स्ट एवर फ्लोटिंग एटीएम ऑन ए हाउस बोट इन डाल लेक ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर रो डाल ह्रदरे ह्रदरे गोटे हाउस बोट रे रिसेंटली क्यों बैंक द्वारा प्रथम फ्लोटिंग एटीएम को लॉन्च करा जाय छी। तो ये करेक्ट आंसर होची एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च करा जाय छी। एसबीआई आपण जानते हेडक्वार्टर मुंबई रे अवस्थित, महाराष्ट्र मुंबई रे अवस्थित, आउ एहार वर्तमान चेयरपर्सन अछंती दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगराज अदाना हैज क्लेम्ड विच मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स इन द P1 मेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल। तो आमर जो सुटिंग रे टोक्यो पैरालंपिक्स रे टोक्यो पैरालंपिक आमर जो टोक्यो पैरालंपिक्स होती से सुटिंग रे कि आमर सिंगराज अदाना को मेडल पाई। ये करेक्ट आंसर होची ब्रोंज मेडल पाई ब्रोंज पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर ये लॉन्ग क्वेश्चन देखा मिलिबो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन टू बी सिलेक्टेड एज ऑनररी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। रिसेंटली आमर जो अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रही रिसेंटली किए गोटे ऑनररी मेंबर रूपे सिलेक्शन होती प्रथम इंडियन किए सिलेक्शन होती। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोर्जे आंगचुक। ये आम लद्दाख जम्मू काश्मीर जो लद्दाख अच्छी लद्दाख रु बिलंग कर दोर्जे आंगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पारा एथलीट मरियप्पन थंगबेलु हैज ओन ए सिल्वर इन विच इवेंट एट द टोक्यो 2020 पारा ओलंपिक्स। आमर टोक्यो 2020 पारा ओलंपिक्स रे मरियप्पन थंगबेलु जन एथलीट आप जानते तो से सिल्वर मेडल पाई। तो से को इवेंट रे सिल्वर मेडल पाई को खेल रे सिल्वर मेडल पाई। तो करेक्ट आंसर होची हाई जंप, से हाई जंप रे सिल्वर मेडल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद कुमार हैज ओन ब्रोंज मेडल इन विच इवेंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 रे शरद कुमार ब्रोंज मेडल पाई। तो कौ इवेंट रे से पाई, तो ये करेक्ट आंसर होची हाई जंप। हाई जंप रे शरद कुमार पाई ब्रोंज मेडल, आ मरियप्पन थंगबेलु पाई सिल्वर मेडल।
Next question, who has reclaimed the top spot for batsman in the latest ICC men's test player ranking after 6 years? कौन कहते ना दीर्घ छः वर्ष परे किए आईसीसी मेन्स टेस्ट प्लेयर रैंकिंग रे शीर्ष स्थान रे बैट्समैन रे शीर्ष स्थान रे पुणी से हासिल करी शीर्ष स्थान पुणी अधिकार करी तो ये करेक्ट आंसर होची जो रूट जे कि इंग्लैंड रो बैट्समैन से 6 वर्ष परे पुणी आईसीसी मेन्स टेस्ट प्लेयर बैटिंग रैंकिंग रे बा बैट्समैन रैंकिंग रे शीर्ष रे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल एज ए पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव? तो कौन कहे ना रिसेंटली आमर जो कोयला मंत्रालय द्वारा आमर जो आजादी का अमृत महोत्सव गोटे अच्छे तार पार्ट हिसाब से को प्रोग्राम को लॉन्च करा जाएगी। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन आइडल 12 विनर पवनदीप राजन हैज वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर आर्ट टूरिज्म एंड कल्चर ऑफ व्हिच स्टेट? तो रिसेंटली आमर जो इंडियन आइडल आप देखुं सिंगर मैंने अच्छा इंडियन आइडल रे इंडियन आइडल 12 रो जो विनर पवनदीप राजन रिसेंटली क्यों राज्यर ब्रांड एम्बेसडर बनी कौपाई ना आर्ट टूरिज्म कल्चर पर कौ राज्यर ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। सीएम वर्तमान अच्छा पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? सीबीडीटी रो नुआ चेयरमैन किए नियुक्ति हेले? तो ये करेक्ट आंसर होची जगन्नाथ विद्याधर महापात्र बा जेबी महापात्र वर्तमान आमर सीबीडीटी माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रो नुआ चेयरमैन नियुक्ति होती जेबी महापात्र। एग्जाम पर इम्पोर्टेंट रहिबो कहीं ओडिशा रो बिलोंग करछन्ती जेबी महापात्र तो ओडिशा करंट अफेयर्स रे मेबी आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ओन रमन मैग्सेस अवार्ड 2021? एग्जाम पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो आमर रमन मैग्सेस अवार्ड 2021 किए जीति? तो देखंतु रमन मैग्सेस अवार्ड 2021 रे एग्जाम रे आसी पारे केते जन को दिया जाइछि तो 4 जन को दिया जाइछि तो ता सहित तो आप क्वेश्चन आसी पारे रमन मैग्सेस को आउ कौन कहा जाए रमन मैग्सेस अवार्ड इज नोन एज नोबेल अवार्ड इन एशिया एशिया रो नोबेल पुरस्कार कहा जाए रमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया रो नोबेल पुरस्कार मध्य कहा जाए। एटा रमन मैग्सेस अवार्ड कौ देश प्रदान करे तो एटा फिलीपींस रे प्रदान करा जाए कहार स्मृति रे प्रदान करा जाए एग्जाम रे आसी पारे तो आमर जो फिलीपींस रो पूर्वतन राष्ट्रपति रमन मैग्सेस थिले तांको ना रे एई रमन मैग्सेस अवार्ड नाम रखा जाइछि। तो एई वर्ष 4 जन पाइछन्ती से 4 जन नाम मु कहि रखुछि तो फास्ट मु कहि रखुछि मोहम्मद अमजाद साकिब पाकिस्तान रो बिलोंग करछन्ती एग्जाम रे मे भी आसी पारे मोहम्मद अमजाद साकिब रमन मैग्सेस अवार्ड 2021 रे पाइछन्ती से केउ देश रो बिलोंग करछन्ती तो पाकिस्तान रो बिलोंग करछन्ती। सेकेंड होची फिरदोसी कादरी से बांग्लादेश रु बिलोंग करछन्ती से जो आमर जो कोरोना समय रे वैक्सीनेशन साइंटिस्ट से थिले। तापरे रॉबर्टो बेलोन ये होछन्ती फिलीपींस रु बिलोंग करछन्ती आउ जने अछन्ती से होछन्ती स्टीवेन मुंसी से साउथ ईस्ट एशिया रु बिलोंग करछन्ती। एही 4 जन को रमन मैग्सेस अवार्ड दिया जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एग्जाम पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो कहीं ना एटा प्रथम महिला मुख्य विचारपति बनिबे प्रथम थर पर किए तो ये करेक्ट आंसर होची बी भी नागरत्ना। तो रिसेंटली आमर जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान अच्छा जो आमर मुख्य न्यायाधीश अच्छा एन भी रमन्ना से रिसेंटली 9 जन जज को शपथ ग्रहण करते 4 जन आमर महिला अच्छा तो ये होंगे प्रथम महिला जी कि आमर मुख्य विचारपति सुप्रीम कोर्टर बनिबे।
तो ये केबे बनिबे ना 2027 रे बनिबे 2027 रे बनिबे 2027 एबे नुह किंतु तांकर सीनियर सीनियरिटी हिसाब रे से मानकु को वर्ष को माने हेबे सेटा ऑलरेडी जणा जाउछि। तो एडी विभिन्न नागरत्ना 2027 बेलकु भारतर प्रथम महिला मुख्य विचारपति हेबे एग्जाम पई मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। आ वर्तमान की अछन्ति मुख्य विचारपति वर्तमान अछन्ति एन भी रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख। एग्जाम पर इंपोर्टेंट हम कहीं आमर जम्मू काश्मीर लद्दाख दुटा अलग यूनियन टेरिटोरी केन्द्रशासित अंचल है तो लद्दाख वर्तमान जातीय पशु बा राजकीय पशु क्या घोषणा करागला तो करेक्ट आंसर हो स्नो लियोपार्ड स्नो लियोपार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 23,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रे 23,000 रन संग्रह द्रुत गति से संग्रह कर बैट्समैन किए बनले तो करेक्ट आंसर होची विराट कोहली विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन एबे वर्तमान जीके क्वेश्चन देखिबा आज 16 क्वेश्चन आम डिस्कसन कर चलिए करंट अफेयर्स 2 और 3 सेप्टेम्बर 16 करंट अफेयर्स डिस्कसन कले वर्तमान किसी जीके देखने कहीं आप जीके क्वेश्चन एग्जाम आसूची। तो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वाज आमर जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी थिला तार प्रथम प्रेसिडेंट किए नियुक्ति होते तो आप मैंने चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनई पारे कौन हम करेक्ट आंसर। तो देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी प्रथम प्रेसिडेंट होती डेमिट्रियस बिकलास। नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेडर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आमर इक्वेटर इक्वेटरटा बा विषुवरेखाटा क्यों देश दे अतिक्रम करना से पचार से इंडोनेशिया दे जाइछि ब्राजिल दे जाइछि कोलंबिया दे जाइछि एभली 13 देश दे जाइछि किंतु मेक्सिको दे जाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ओडिशा और वेस्ट बंगाल को किए विभाजन डिवाइड करुच्छे तो ये 4 ऑप्शन रही बैतरणी बुढ़ाबड़ा सुवर्णरेखा सालंदी। तो ये आप करेक्ट आंसर हो सुवर्णरेखा सुवर्णरेखा नदीटा ओडिशा एवं वेस्ट बंगाल मध्य गति करा राज्य को विभाजन करुच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन बॉर्न हरगोविंद खुराना गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन जेनेटिक कोड इन द ईयर। तो कौ वर्ष भारतीय वंशोद्भव बा भारतीय जन्मित हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिलता कौन थे ना जेनेटिक कोड पर नोबेल पुरस्कार मिलता तो कौ वर्ष मिलता। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्दर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तर भारतर कोटा गोटे नदी नुहे से पचारुची उत्तर भारतर कोटे नदी नुहे घाघरा उत्तर भारत आउची कोसी भी आउची सतलज भी आसुची किंतु ताप्तीटा कौन आमर ताप्तीटा वेस्टर्न लैंड रे रहुची तो ताप्तीटा उत्तर भारतर नदी नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर लोकमान तिलक अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो देखो 2021 लोकमान तिलक पुरस्कार क्या सिलेक्शन करा जाएगी। तो ये क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी तो आप यार आंसर दे पारे। तो देखो लोकमान तिलक अवार्ड 2021 विनर हो सिलेक्शन करा जाएगी साइरस पुनावाला को साइरस पुनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन गिवन द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। आमर रिसेंटली गोटे नुआ मिनिस्ट्री क्रिएट करागला बा क्रिएशन करागला ता ना रहला मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो सेटा का दायित्व बर्तमान अच्छे तार हेड किए बर्तमान अच्छा तो करेक्ट आंसर होची अमित शाह जी कि आमर होम मिनिस्टर अच्छा से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन रो मध्य दायित्व नौछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो मुख्य विचारपति किए एग्जाम आसी पारे तो आपण जानिछंती जे ओडिशा रो वर्तमान मुख्य विचारपति अच्छा किए एस मुरलीधर आउ आमर ओडिशा रो वर्तमान गवर्नर अच्छा गणेशी लाल आउ ओडिशा रे या पूर्वर थिले आमर चीफ जस्टिस थिले मोहम्मद रफिक वर्तमान से मध्य प्रदेश रो हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस अच्छा आउ सुरेश चंद्र महापात्र वर्तमान आमर चीफ सेक्रेटरी अच्छा ओडिशा चीफ सेक्रेटरी होती सुरेश चंद्र महापात्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ ओपीएससी। ओपीएससी रो वर्तमान चेयरपर्सन किए अछंती, एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो। तो एठी करेक्ट आंसर देखंतु, करेक्ट आंसर हे जे आपन मन करो कोन ना, सत्यजित महांती। सत्यजित महांती होचंती वर्तमान ओपीएससी रो चेयरमैन। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 रो क्लोजिंग सेरेमनी रे ध्वजवाहक भारत रु किए थिले? तो ये नीरज चोपड़ा अच्छी, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, मेरी कॉम। तो ये करेक्ट आंसर होची बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द 69th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत रो 69तम चेस ग्रैंड मास्टर किए? ये क्वेश्चन मैं डिस्कशन करछि। तो ये करेक्ट आंसर होची हर्षित राजा, हर्षित राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड बिल्ड पंचमहल इन फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी रे पंचमहल को किए निर्माण करथिले? तो ये अकबर अछि, जहांगीर अछि, नूरजहां अछि, शाहजहां अछि। तो करेक्ट आंसर होची अकबर निर्माण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू तंजानिया। तो रिसेंटली तंजानिया पे भारत रो परवर्ती हाई कमिश्नर रूपे कहाँ को नियुक्ति करा जाए थी? तो ये बीएस प्रधान अच्छी, एसएस हासन अच्छी, विक्रम रायना, विकास शर्मा। तो ये करेक्ट आंसर होची बीएस प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड द आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मे 2021। तो मे 2021 रो आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड रो विजेता किए? जो रूट, रोहित शर्मा, मुशफिकर रहीम, बाबर आजम। तो ये करेक्ट आंसर होची मुशफिकर रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग अफगान रूलर्स इनवेडेड इंडिया फॉर 17 टाइम्स। तो निम्नलिखित मध्ये को अफगान शासक, को अफगानी शासक भारत को 17 थर आक्रमण करथिले? तो ये मोहम्मद घोरी अच्छी, मोहम्मद गजनी अच्छी, इल्तुतमिश अच्छी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये करेक्ट आंसर होची मोहम्मद अफ गजनी, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज लास्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। यही दुटा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर 2019 जेके सेक्शन रे आसीला। तो देखो से कौन कहे, नेम द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। आम जो इस्लामिक कैलेंडर रही तार प्रथम मासर ना कौन? इस्लामिक कैलेंडर प्रथम मासर नाम हूँ महरम। तो एग्जाम पर इम्पोर्टेंट रहइबो, इस्लाम कैलेंडर शेष मासर ना मत पचारि पारे। तो ये प्रथम मासर ना पचार, तो करेक्ट आंसर होची महरम। तो फ्रेंड्स, ये किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जदि भिडियो भल लगता है तोहले निहत भाव हृदय गोटे गोटे लाइक करेंगे और अधिकारू अधिक मात्र कृपया सांगसाथी मानक सेयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अधिक मात्र भिडियो को सेयार करूँ जहाँद्वारा मत किसी मोटेट मिल किसी लाटेस्ट अपडेट देवाई। आज जब पीडीएफ चाहूँ तो भिडियो को अधिक मात्र सेयार करूँ, मुझ पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करदेवी। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय जगन्नाथ।